हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी और श्रावण शुक्ल पंचमी दोनों तिथियों में मनाया जाता है। इस साल यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान में कृष्ण पक्ष में यह त्योहार 2 अगस्त को मनाया गया था, जबकि देश के कई हिस्सों में यह 15 अगस्त को मनाया जाएगा। कहा जाता है इस दिन नाग देवताओं के लिए दूध पिलाया जाता है, लेकिन क्या दूध पिलाना फायदेमंद साबित होता है या इसके नुकसान भी होते हैं? वैसे तो यह परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। अब विश्व पुराण में नाग पूजा और नागों को दूध पिलाने का जिक्र किया गया है। कहा जाता है इस दिन नागों को दूध पिलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही ऐसा करने से सर्प दंश खत्म होता है। लेकिन अगर बात की जाए विज्ञान की तो सांप को दूध पिलाना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक इसका क्या महत्व होता है। यदि विज्ञान की बात की जाए तो सांप रेप्टाइल्स जीव है, न कि स्तनधारी। रेप्टाइल जीव दूध को हजम नहीं कर सकते, ऐसे में कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। दूध पिलाने से सांप की आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए तो ये दोनों तरह से फायदेमंद और नुकसानदायक भी होता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आपाश की वॉच।